नया साल मनाते हुए पांच लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से, उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहां बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन पांच दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का। ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। तो क्या मुझे किंच मात्र भी हैरानी हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हैरानी नहीं हुई क्योंकि अगर सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या अंकिता ठाकुर को जिस्म फरोशी के लिए प्रताड़ित करता हुआ भाजपा के नेता का लड़का हो और इवेंचुअली उसकी हत्या कर देता है, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है जहां पर औरत के साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे ये कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। इस दरिंदगी पर भी आप चुप रहिएगा तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो उस लड़की की मां का कहना है वो और बड़े सवाल खड़ा करता है। पुलिस इसको एक्सीडेंट या लापरवाही क्यों कह रही है? उस लड़की की मां का कहना है कि उसका शव एक नग्न अवस्था में मिला। जाहिर सी बात है, इतने जाड़े में निकली हुई लड़की कपड़े पहनकर निकली होगी। क्या ये रेप का और भी बड़ा दरिंदगी का मामला नहीं हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल इस नए साल ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, औरतों के खिलाफ दरिंदगी के मामले में और भाजपा के लोगों के संलग्न होने के बारे में खड़े कर दिए हैं। मोदी जी, नया साल आ गया, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आपके दरिंदों से कब सुरक्षित?